तो आज हम करने जा रहे हैं इंडिपेंडेंस डे स्पेशल चैलेंज, जिसमें हम ग्रीन एंड वाइट फूड खाने वाले हैं। तो इसलिए मैं शॉप पर गया और वहां से मैंने ग्रीन एंड वाइट जो भी चीज़ मुझे नज़र आई मैंने वहां से बाय कर ली। सो लेट्स स्टार्ट द चैलेंज। अस्सलाम वालेकुम लवली पीपल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। लेट्स गेट दिस व्लॉग स्टार्टेड। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से आज़ादी मुबारक। तो आज है जी 14 अगस्त, जो कि पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा जो है वो दिन है। इसीलिए आज जो है वो हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और मज़ेदार सा जो है वो चैलेंज कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आप सबको जो है वो बताया कि हम जो है वो ग्रीन एंड वाइट कलर फूड जो है वो खाने वाले हैं 24 आवर्स में। इट्स 12 o'clock राइट नाउ एंड अभी जो है वो ब्रेकफास्ट के लिए जो है वो मैंने देखते हैं कि क्या क्या जो है वो लिया है। अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जो है वो लाइक कर दें। फॉर द ब्रेकफास्ट मैं जो है अकनौर के ग्रीन वाले जो है वो नूडल्स बना रहा हूँ, जो कि चिकन फ्लेवर है, और इसके साथ जो है वो ये डे फ्रेश का फ्लेवर्ड मिल्क ले रहा हूँ, जो कि पिस्ता फ्लेवर है। तो इट्स ब्रेकफास्ट टाइम और ब्रेकफास्ट में जो है वो मैं खाने वाला हूँ जी अकनौर के ये ग्रीन नूडल्स, विच इज़ नॉट ग्रीन कलर, बट उनका जो पैकेट है वो ग्रीन है। सो दैट्स द चैलेंज कि अगर हम फुल जो है वो ग्रीन फूड जो है वो ढूंढने बैठ जाएंगे तो इसलिए जो है वो फिर हम पूरा दिन जो है वो भूखे ही रह जाएंगे। इसलिए ये ही रूल्स हैं कि जो चीज़ बाहर से देखने में ग्रीन है वो हमने जो है वो उठा ली है। जैसा कि ये है ग्रीन कलर के जो नूडल्स थे इनका पैकेट ग्रीन होता है वो ले लिए, क्योंकि अभी हम यही कर सकते हैं क्योंकि ग्रीन कलर फूड जो है वो ढूंढना इज़ अ टफ चैलेंज। तो अभी जो है वो ब्रेकफास्ट में हम जो है वो खाएंगे जी अकनौर की मैगी, विच इज़ आप सबको पता है कि इसका टेस्ट जो है वो कैसा होता है। तो अभी बिस्मिल्लाह पढ़ कर जो है वो खाते हैं। कहो लेकिन ये उससे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो में खाए। तो इसको जो है वो अभी मैं साइड पर रखूँगा, मैं भी फिनिश करूँगा डेफिनेटली, बट ये वो चीज़ है जो मैंने भी ट्राई की थी और आपने भी जो है वो ट्राई की होगी। सो इट्स अ डे फ्रेश फ्लेवर्ड मिल्क जो कि ग्रीन कलर का मुझे नज़र आया था, वो मैंने वहाँ से जो है वो ये ले लिया, बाय कर दिया। ये जो है वो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ, तो इसका जो है वो टेस्ट टेस्ट करते हैं कि किस तरह का है। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है इसमें जो है वो, जैसे कि ऊपर लिखा है ज़ाफ़रान टेस्ट आ रहा है, तो डेफिनेटली ज़ाफ़रान का जो है वो बीच में हल्का हल्का जो है वो टेस्ट आ रहा है। और इसमें जो है वो पिस्ते का मुझे अभी तक इतना खास फ्लेवर नहीं आया, अभी मैं अभी सेकंड ट्राई करता हूँ। तो पिस्ते का हल्का हल्का फ्लेवर है, बट इसमें जो है वो जो ज़्यादा फ्लेवर है वो ज़ाफ़रान का। इट्स गुड एंड रिफ्रेशिंग, मस्ट ट्राई डे फ्रेश का ये पिस्ता फ्लेवर नूडल्स। इनके पास और भी थे लेकिन वो ग्रीन कलर नहीं थे तो वो हमने बाय नहीं किए, उसमें एक ब्राउन कलर का था और एक रेड कलर का था। इट्स गुड। सो अभी जो है वो बस मैं अपना ब्रेकफास्ट जो है वो फिनिश करता हूँ और आप सबसे लंच में मिलता हूँ। इसके अलावा आई हैव बाय ग्रेप्स विच इज़ नेचुरली ग्रीन इन कलर, तो इनको जो है वो तो हम बिना झिझक के खा सकते हैं बिकॉज ये ग्रीन है और हमारा पाकिस्तान का फ्लैग भी ग्रीन है। हाँ, अभी तक मैंने कोई वाइट चीज़ नहीं खाई क्योंकि वाइट में मुझे इतने ऑप्शन नहीं मिले। ग्रीन में जो है वो मैंने काफ़ी चीज़ें ले ली थी लेकिन वाइट में नहीं मिली इतनी चीज़ें, और बस एक ग्रीन है और एक दो स्नैक्स होंगे, लेकिन ग्रीन में जो है मुझे काफ़ी चीज़ें मिली। शोर है ना, तो इस टाइम अचानक से इतना खूबसूरत लवली वेदर हो गया, और वो भी 14 अगस्त वाले दिन। आज हालांकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी लेकिन एकदम जो है वो प्यारा हो गया। देख सकते हैं सामने इस टाइम किस तरह बादल आए हुए हैं और लग रहा है कि अभी जो है वो बस बरसात होने वाली है। जो है ना वो ब्रेकफास्ट के बाद जो है वो पेट भरा हुआ था, तो आई स्किप द लंच। सो इट्स
स्नैक्स फॉर मी अभी जो है वो जैसे कि स्प्राइट वगैरह है, मिल्क स्प्राइट है और ये साथ ग्रीन स्नैक्स और भी अभी इनको खाते हैं। वी आर गोना ट्राई दिस स्प्राइट मिंट फ्लेवर जो कि अभी अभी जो है ना वो आई है मार्केट में। आई थिंक लॉन्च हुए हुए तो काफ़ी अर्सा हो गया है बट मेरी नज़र आई थिंक पहले पड़ी है, तो देख सकते हैं दिस इज़ प्योर ग्रीन इन कलर, सो लेट्स ट्राई दिस। क्योंकि मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ तो सेल्फ लॉन्च बड़ा मुश्किल है, बट लेफ्ट हैंड से पकड़े तो राइट हैंड से बस मीन पर गिटा में जो है वो गैस नहीं होती, इसमें आप गैस पूरी कहने के इसमें गैस ही है, बाकी टोटली मीट मार्केट है। इट्स आल्सो अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक। तो अचानक से बारिश दोबारा से लग चुकी है तो अभी ये जो स्नैक्स बाई करके लाए थे ग्रीन कलर की और वाइट कलर की वो भी निकालते हैं क्योंकि मैं सारे नहीं खाने वाला, तो ये वाले ना किसी ज़माने में हम सब के घर वालों सबसे ज़्यादा फेवरेट स्नैक्स होते हैं और इन सब का टेस्ट तो आप जानते हैं। तो यार अभी जो है ना सुबह से बैठ कर खा खा कर आई एम नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि मैं जो है ना अगर वीडियो अगर बनानी हो या कोई जो है वो जगह एक्सप्लोर करनी हो तो देन मैं जो है वो बाहर खाना वगैरह खाता हूँ, वैसे जो है वो मैं घर जो है खाना घर का ही प्रेफर करता हूँ ज़्यादा, बस वो तो जब मैं बाहर जो है वो ज़्यादा टाइम वगैरह तो खाना एक्सप्लोर करना हो या जगह न्यू ट्राई करनी हो तो तब जो है वो मैं खाता हूँ, वैसे जो है वो आई प्रेफर घर का खाना, घर का खाना इज़ द बेस्ट। सो अभी जो है ना वो सुबह से मैं बाहर का खाना खा कर ना एकदम जो है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आई थॉट ऑफ स्किपिंग द चैलेंज अभी और अभी जो है वो मैं बस घर का ही जो है वो हेल्दी फूड खाऊँगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, आई होप कि आप सबको जो है वो वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट के लिए कुछ भी दिल करे भाई को दुआओं में याद रखना है, इंस्टाग्राम पर मस्त फॉलो, अल्लाह हाफिज़। और अगेन से सॉरी कि मैं चैलेंज जो है वो नहीं कर पाया।